अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो के ऊपर, जो कि ली गई है हदाया पोर्टल से। और हदाया पोर्टल का, हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं, उनकी एडिटिंग और उनकी जो सी वो विजुअल्स, उसके बाद उनके साउंड इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज की जो सी इस वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं, इसका टाइटल है सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो आए फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है और कुछ जो सा हम इंजीनियर साहब से जान लेते हैं। तो आए फिर शुरू करते हैं रिएक्शन टाइम वेस्ट किए बगैर। मेरे भाइयों, सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बड़ी गैर मामूली शख्सियत है, इस हवाले से कि ये पैगंबरों में वाहिद पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ताला ने उनकी लग्जिश के सबब अताब फरमाया। लग्जिश के सबब, हत्ता के सूरतुस्साफात में आया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हमसे दुआ ना करते, और वो दुआ ही सूरतुल अंबिया में, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर यूनुस इन अल्फाज में हमें ना पुकारते तो मछली के पेट से उसी दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। इतना अताब, इतना जलाल अल्लाह का कि यूनुस की गलती इतनी सवीर नौयत की कि जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे उस दिन ही फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालते। और दुआ भी देखें, सूरतुल अंबिया में आई, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई नहीं माबूद सवाए तेरे, सुभानक, ऐ अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती नहीं कर सकता, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं गलती करूंगा। क्या जबरदस्त अंदाज है जी तौबा करने का। अल्लाह ताला की जो पाकी की सिफत है उसको ट्रिगर किया है कि अल्लाह तुझसे तो गलती नहीं होती, मैं तो बंदा हुआ गलती करूंगा। इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह को इतनी पसंद आई है कलिमात, और इसके साथ अल्फाज है कदालिका नुनजिल मुमिनीन, हम ईमान वालों को भी इसी तरीके से निजात देंगे जो यूनुस की तरह हमसे दुआ मांगेगा। और जामिया तिर्मिजी में सही सनद के साथ हदीस है, जो शख्स भी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ अल्लाह की तरह मुतवज्जे हुआ अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं लौटाएगा। ये अस्माए आजम है, मेरा एक क्लिप 4 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं, मुसीबत और परेशानी से बचाओ के 3 वज़ाइफ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये 3 वज़ाइफ पढ़ने चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती जो हुई वो कुरान हकीम में सूरह यूनुस के अंदर, सूरतुल अंबिया के अंदर, सूरह असाफात के अंदर और बाकी सूरतों के अंदर टुकड़ों की फॉर्म में, सूरह साद में भी ये टुकड़ों की फॉर्म में पूरी की पूरी एक उनकी स्टोरी आई है, वो मैं कंबाइंड फॉर्म में आपको बयान कर देता हूं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की को बिल्कुल अगले पैगंबरों की तरह अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि तुम्हारे जो मुखालफीन हैं उनको जो अल्टीमेटम दिया जाएगा उसके बाद उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर का यह काम होता है कि वो फाइनली अपना इलाका छोड़ने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रॉपर ऑफिशियल परमिशन है उसका इंतजार करता है, वही की फॉर्म, वही का फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है। जिस तरह कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकलो, तो उस वही का इंतजार किया, रात के वक्त का इंतजार किया, लेकर निकले, अल्लाह की ताईद हासिल हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम को भी बता दिया गया कि भाई तुम्हारे मुखालफीन को 3 दिन की ये मोहलत है, अगर ये ईमान ले आए तो ठीक, अदरवाइज इन पे अजाब आ जाएगा। अब जैसे ही वो 3 दिन पूरे हुए, कंप्लीशन के करीब थे, बजाय इसके कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही का इंतजार करते कि मुझे अब प्रॉपरली, आखिरी 1 मिनट में भी तो आ सकती है ना वही, ये समझ ले थोड़ी देर पहले अपना इलाका छोड़ गए कि अब तो टाइम पूरा होने के करीब है, अब नजर भी आ रहे हैं कि अजाब इन पे आ जाएगा, अल्लाह की वही का इंतजार नहीं किया। और कुरान कहता है कि गुमान ये किया कि हम उन पर गिरफ्त भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आखिरी वक्त तक इंतजार किया था ना, अब किसने लाना था ईमान। लेकिन पैगंबरों के लिए छोटी सी लग्जिश भी अल्लाह के हुजूर जो है वो बड़ा मामला होता है, क्योंकि उनका रुतबा बुलंद होता है। ऐसे ही है। अब यहां से ये निकले गुस्से में भरे हुए, अल्लाह तरफ माता निकले अपनी कौम पे गुस्से में, और गुमान किया कि हम उन पे गिरफ्त नहीं करेंगे,
और ये समुद्री सफर में निकले, वहां से अपना इलाका छोड़ के किश्ती में सवार हुए। किश्ती जब सेंटर में पहुंची तो बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया, और वहां पे ये ट्रेडिशन थी कि किश्ती तूफान में उस वक्त फंसती है जबकि उस किश्ती में कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर भागा हो। ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाजत के बगैर भागा, गुलाम जो मालिक की इजाजत के बगैर, उसके लिए वो कुरा अंदाजी किया करते थे। कुरा डाला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलाया। जाहिर है वो भी तो गुलाम थे ना अपने रब के, बगैर इजाजत के निकले हुए थे। लोगों ने कहा नहीं नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम है, ये तो नेक शरीफ आदमी है, इसने तो लोगों को भी देखी की तरफ बुलाया। दोबारा कुरा डाला जाए, दोबारा कुरा डाला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। दूसरी बार, तीसरी दफा डाला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम, तीसरी बार भी। अब लोगों ने कहा नहीं हमारी मजबूरी है, यूनुस अलैहिस्सलाम को तो पता ही था ना, उन्होंने कहा अभी आजमाइश आ गई मेरे ऊपर, उनको फेंक दिया समुंदर में। कुरान कहता है बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। कुरान में दिन नहीं आए, हमारे एक सब कॉन्टिनेंट में मशहूर है कि 40 दिन रहे, तौरात में दिन आए 3 days and 3 nights। तौरात में 3 दिन, जोना अलैहि सलाम, जोना कहा जाता है इंग्लिश में यूनुस को, जोना इंग्लिश में यूनुस अलैहि सलाम 3 दिन और 3 रात तक उसमें रहे मछली, यानी कितने बन गए वो, 72 घंटे बन गए, इतनी देर मछली के पेट में रहे 3 दिन और 3। और जाहिर है मछली के पेट में, वेल मछली के पेट में रहे, और पेट में भी जाहिर है वो मैदे में सारी गर्माइश होती है, पूरा जिस्म उनका, यानी वो तो अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, वहां तो ऑक्सीजन भी कोई नहीं थी, वो तो मुर्जाना तौर पे ही जिंदा रहे, बहरहाल जिस्म पे असरात आए उनके। ऐसी मुश्किल, और वहां पे उन्होंने फिर ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, बस ये पढ़ते रहे। अल्लाह तआला बताए हमें अंधेरों में उसने पुकारा, और अल्लाह ने देखे उन अंधेरों में भी अपने उस बंदे की निदा को सुना। कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरीके से हम मोमिनीन को भी निजात देंगे जो हमें पुकारेगा। और यहाँ पे वो कहते हैं आयत करीमा बड़ा गर्म होता है जी, वुजू करके बैठो, खुशबू लाओ, हालांकि जिस शख्स ने ये पहली दफा पढ़ा है उसने खुशबू वाली जगह पे नहीं पढ़ा, उसने मछली के ताफुन वाली सबसे ज्यादा जगह मैदे ही होती है, मैदे में ही सारा ताफुन होता है, ये डकार आप जितने लेते हैं सब कुछ गैसें सारी मैदे में होती है। अल्लाह के जिक्र के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम हालत जनाबत में भी अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह को याद करते थे, और जामिया तिर्मिजी और अबू दाऊद में मौला अली अलैहिस्सलाम से हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ने से हालत जनाबत के अलावा और कोई हालत माने नहीं होती थी। कुरान के लिए जनाबत से आजाद होना शर्त है, बगैर वजू के भी कुरान पढ़ सकते हैं, और बाकी अजकार तो जनाबत की हालत में भी आप पढ़ सकते हैं, कुरानी दुआएं भी पढ़ सकते हैं कुरान की नीयत के बगैर जस्ट जिक्र के तौर पर, क्योंकि आप जितने जिक्र कर रहे हैं वो तो भी कुरान में है ना, अल्लाह अकबर भी तो कुरान का हिस्सा है, सुभान अल्लाह भी जिक्र है। ऐसी है। लेकिन उस वक्त आप जिक्र की नीयत से नहीं बल्कि दुआ की नीयत से पढ़ते, रब्बाना आतिना फिर दुनिया पढ़े, रब्बाना आतिना फिर दुनिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, बेशक पढ़े हालत जनाबत, दुरूशी भी पढ़े, इधर मशहूर किया जी दुरूशी भी मतलब बगैर वजू के नहीं पढ़ रहा, आप लोगों ने क्या बातें मशहूर की अल्लाह के बंदो, ये सारी जज्बाती डॉक्टरी है। रूशी पे मेरा मसला नंबर 56, और मैं आपको बताऊं ये वो डॉक्ट्राइन है जो हमारे उलमा ने किताबों में नहीं लिखी हुई, सिर्फ अवाम को पट्टियां पढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे झूठ हैं जो इनको इतनी शर्म आई कि किताबों में भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक को पट्टी पढ़ाने के लिए, जैसे जी वो बुत रख के आते थे इसलिए रफुल यदैन होता था, अब ये इतना बड़ा झूठ था कि किताब में नहीं लिखा इन्होंने, बहरहाल ये उनकी जो जाली और कमजोर रवायतें उनसे ज्यादा कारामद है, आम आदमी को यही पता है कि जो ओ जी बुत रख के आंदे से चल गया, छड़ोल छोड़ी है, छड़ोल चल गई है, दूसरी चीज नहीं चली, मानते वैसे नहीं है, और फिर आम भी फिर उसका जवाब फिर छड़ोल से ही देते हैं, एंटी वेनम फकी इल्जामी जवाब। अच्छा हम कहते हैं अच्छा यार ये मना हो गया थे ईद की नमाज पढ़ी जाए कदे, कहते हाँ तो ईद ही चे बार बार कर दो, आहो जी असी तो सोचे ही नहीं कदे, आदत तुहाड़ी मौलवी ने मत मारी है ना, कि उस दिन जेड़ा बुत रख के आंदे हो तुसी, ईद वाले दिन भी तो आप करते हैं फिर वितर का भी करते हैं, बल मैं ज़िमन बात ज़हन में आ गई क्योंकि मजलिस में फिर इसी तरह गुफ्तगू होती है। अच्छा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर निजात दी, फिर कुरान हकीम में आता है कि मछली ने उनको उगल दिया किनारे पे, वहां अल्लाह ने कुरान हकीम में आता है उनके लिए कद्दू की बेल उगा दी, जाहिर है कि जिस्म पूरा एक वो असरात की वजह से जिस्म के ऊपर नई एक खाल उनकी उगी, दोबारा से उनके सारे मामलात हुए,
और अल्लाह ताला ने उनको एक नई जिंदगी दी और उन पे अताफ फरमाया, उसके बाद माफ कर दिया। लेकिन आप देखें कि इस गलती का एक तो अताब यूनुस अलैहिस्सलाम पे आया और दूसरा इसका क्रेडिट उनकी उम्मत को मिल गया, उन पे उनसे उम्मत को क्रेडिट मिल गया इस नेबट का। और सूरह यूनुस, जिसका नाम ही सूरह यूनुस है, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अल्लाह तआला फरमाता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम पे अजाब आग का फैसला हो जाए और वो अजाब उनसे टल जाए, इल्ला कौम यूनुस, सवाय कौम यूनुस का, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से ये अजाब टल गया। क्यों? जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकले और अजाब के असार नुमाया हुए, अजाब टलना कोई नहीं था। अजाब तो फिरौन पे भी आया, उसने भी तो कहा था ना मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पे। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, अब लाया, कोई फायदा नहीं, डुबो दिया। यहां पे भी जब अजाब सामने आया ना, पूरी कौम यूनुस तकरीबन 1 लाख और उससे चंद ज़ायद लोग थे, सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, अजाब टल गया, यूनुस अलैहिस्सलाम वापस कौम में, कौम जिंदा की जिंदा। यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए भी एक हैरानगी थी, एक पासे मैं भी अताब कटे हैं, दूसरे पासे कौम भी बच गई है, तो मैं अब इनको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके, कि मैं इनको तो अल्टीमेटम देके गया था, मैं अपनी भी लग्जिश के ऊपर अताब भुगत आया हूं और ये भी बच गए हुए हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं था कौम तो ईमान ला चुकी थी, तो उन्होंने आते ही आपके हाथ में बैत कर ली। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस लग्जिश को क्रेडिट बना दिया उनकी उम्मत के लिए भी, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी एक आजमाइश से गुजारा। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूं, खुसूसन हम मुसलमानों के लिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा हुआ। बाकी रिवायतों में आता है कि वो मुसलमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, यहूदी ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। झगड़ा हुआ, मुसलमान को गुस्सा आया, उसने उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ लगा दिया। वो यहूदी अपना मुकदमा लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को डांटा और फरमाया मुझे यूनुस पे भी मत फजीलत देना। अब आपको इस जुमले का समझ आएगी कि यूनुस वो वाहिद नबी हैं जिन पे अताब हुआ है और बहुत बड़े लेवल का अताब दुनियावी एतबार से देखा, तो मुझे उसके मुकाबले पर भी फजीलत मत देना। ऐसी फजीलत है जिसमें किसी दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ऐसी है। अल्लाह की कसम से बचना चाहिए। कयामत वाले दिन जब अल्लाह ताला मखलूकात को दोबारा जिंदा करेगा, मैं देखूंगा कि मुझे जब उठाया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे में खड़े होंगे। ये हजरत मूसा की एक जुज़वी फजीलत हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे तो ये नहीं पता कि उन पे क्यामत की बेहोशी तारी नहीं हुई, या अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे पहले जिंदा कर लिया क्यामत वाले दिन, या उस बेहोशी के सबब जो दुनिया में अल्लाह की तजल्ली की वजह से बेहोश हुए, अल्लाह ताला ने उन पे क्यामत की बेहोशी तारी नहीं की, बेहोशी तारी नहीं की, जुज़वी फजीलत हो सकती है। बुखारी में हदीस है कि क्यामत वाले दिन सबको बरहना उठाया जाएगा, सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास बनाया जाएगा, को कपड़े दिए जाएंगे। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुज़वी फजीलत है तमाम पैगंबरों पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, ये उनकी जुज़वी फजीलत है। और एक और फजीलत के ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा, अभी तक जिंदा, एक और बड़ी फजीलत। तो जुज़वी फजाइल एक पैगंबर के दूसरे पे हो सकते हैं, कुल्ली तौर पर फजाइल नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, वो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि ये रसूल है, बास को बास पे हमने फजीलत दी है, बास के साथ कलाम किया, बास के हमने और दर्जात बुलंद किए, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने मुर्जात दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्जात दिए। बल इसकी बुनियाद पे किसी नबी की तनकीस नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं करना चाहिए। तनकीस का जब पहलू निकलेगा ना, कंपेरिजन आप शुरू कर देंगे, तो वो फिर खतरनाक मामला हो जाएगा। उस मामले में आपने अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैं बारहा कहता हूं, मैं पर्सनली, मुझे ये सलाम बड़ा पसंद है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लेकिन इसमें कुछ इशार ऐसे हैं कि जो हमें इस तरफ शायबा करवा देते हैं कि ये गुस्ताखाना है। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। यार हजरत अबू बकर सिद्दीक जब यहूदी के साथ ये मामला कर रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया है, और आप 1400 साल बाद आके कह रहे हैं मूसा तो नहीं देख सके, साढ़े नबी ने देख लिया।
आपके साथ भी वही कुछ होता, बल्कि उससे ज्यादा होता जो कि उस मुसलमान के साथ हुआ था। इसलिए कि आप एक गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ रहे हैं, नबी इस्लाम की जात की एक गलत तारीफ बयान कर रहे हैं। आप वैसे बयान करें कि हमारे नबी इस्लाम ने ख्वाब में अल्लाह की ज्यारत की है, ये जरूर बयान करें, लेकिन कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन नहीं करना, ये वाला जो मामला है गलत। तो इसी को कहा जाता है तफजील बैन रसूल, तफदील अरबी में कहेंगे, एक रसूल को दूसरे पर फजीलत देना ये जायज और हलाल है, कुरान ने भी दी है। लेकिन तफरीक बैन रसूल, रसूलों में फर्क कर देना ईमान लाने के एतबार से या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के फौर, यह हराम है। तफजील बैन रसूल जायज है, तफरीक बैन रसूल हराम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी गुस्ताख उतना ही बड़ा गुस्ताख है जितना हमारे नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। एक बंदा सारे पैगंबरों को माने, हमारे नबी को नहीं मानता, वो भी काफिर है। एक बंदा हमारे नबी को मानता है, सारे पैगंबरों को मानता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो भी काफिर, वो भी काफिर है। तो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलि व क़ालू समिअना व अता'ना गुफ्रानक रब्बना व इलैकल मसीह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, रिएक्शन था इसमें, बात हम ये कर रहे थे कि जितने भी मुसलमान का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1,24,000 कमोपेश पैगंबर जितने भी गुजर चुके हैं इन पे ईमान ना लाए। अगर वो बोले जी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ और उनके अलावा किसी एक पैगंबर की वो नफ़ी करता है तो वो इस्लाम से खारिज है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जैसे नबी के सफ़र की गुस्साही करने वाला भी उतना बड़ा गुस्साह है जितना ही बड़ा गुस्साही करने वाला, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई गुस्साही करता तो वो भी उतना बड़ा गुस्साह है। नबी के सल्लम की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई गुस्साही करता है तो दोनों का बराबर ही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों की गुस्साही एक बराबर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई करता है तो वो भी एक बराबर है। इसके अलावा इसमें बात हुई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक और उसके में बताया गया कि वो अल्लाह ताला की हुक्म का इंतज़ार किए बगैर अपनी कौम के पास निकल गए, अजाब के आसार नज़र आ रहे थे, उसको वो कश्ती में बैठे तो कश्ती जो सी है वो हिचकोले खाने लग गई। तो वाकई में उसका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। उसके बाद बताया गया कि अल्लाह वाहिद नबी है जिनको अल्लाह ताला का अताब हुआ और अल्लाह ताला की अल्लाह ताला अपने मामलों में बहुत सख्त है, तो इसलिए जो है ना चीज़ों को काफ़ी देखना चाहिए। हम यहाँ पे आ जाके ही बात कर लेते हैं कि हम नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। तो ये है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो ये दुआ थी बहुत अच्छी दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो इस दुआ को भी जो है वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।